कहानी है यहाँ पर जो कि है सुखी राम और दुखी राम की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और जब आप संकट के दौर में रहते हैं तब इस कहानी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तब ये कहानी आपको हमेशा याद रखनी होगी। जब भी आपको कोई संकट जीवन में आए, कोई कठिन दौर आपके जीवन में आए, तो बस आपको ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को आपको याद कर लेना होगा और आप उस संकट का सामना कर पाएंगे। तो ये दो लोग थे, दो मेढक आपके सामने है ना, दो मेढक, एक का नाम है सुखी राम और दूसरे का नाम है दुखी राम। जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कौन है सुखी राम और कौन है दुखी राम। तो जो सुखी राम है और जो दुखी राम है, ये दोनों मेढक जो है ये दोस्त थे और दोनों खेल रहे थे। लेकिन अचानक एक शरारती लड़के की नजर उन पर पड़ती है और वो शरारती लड़का क्या करता है, उन दोनों मेढकों को उठा करके एक दूध वाले के डब्बे में उसे बंद कर देता है। दूध वाले के पास जो डब्बे होते हैं ना, दूध के बड़े डब्बे, उसमें वो उन मेढकों को बंद कर देता है। अब जब ये मेढकों को दूध के डब्बों में बंद कर दिया जाता है तो ये मेढक बड़े परेशान होते हैं और वो दूध वाले को पता नहीं, वो अपने साइकिल पर उन दूध के डब्बों को लेकर के वो आगे बढ़ देता है और एक डब्बे में जो है वो सुखी राम है, साइकिल की दूसरी तरफ दूसरे डब्बे में जो है वो दुखी राम है। अब ये दोनों मेढक जो है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो दुखी राम है वो ज्यादा दुखी हो रहा है और जो मेढक जिसको खुश रहने की आदत थी और जिसको हमेशा खुश रहने का जिसके जीवन में उसूल था कि मुझे हर एक परिस्थिति को हंसते हुए सामना करना है, वो खुश रहने की चेष्टा कर रहा है। तो जो सुखी राम है वो ऐसे मन में विचार ला रहा है कि भाई ये संकट का दौर आया है और मैं बुरी परिस्थिति में आया हूँ, लेकिन ये संकट का दौर बीत जाएगा। और जो दुखी राम है वो बेचारा दुखी हो रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसे संकट से अब क्या कर सकते हैं, ये तो मैं फंस गए, यहाँ तो मैं ऊपर निकल भी नहीं पा रहा हूँ, ढक्कन भी बंद है और पानी में भी मैं ज्यादा देर रह नहीं सकता हूँ, और जब मैं पानी में यहाँ दूध में जब मैं हूँ और मैं कितने भी हाथ पाँव मार रहा हूँ मैं धीरे धीरे डूब जाऊंगा, ये तो ढक्कन जो है पूरा बंद है, इस पर तो मैं कितना भी जोर लगा रहा हूँ मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो दुखी राम जो है वो दुखी हो जाता है, वो थक के हार जाता है और वो अपनी सारी ऊर्जा सारा चेष्टा ढक्कन को खोलने में करता, ढक्कन नहीं खोल पाता है और फिर वो हार करके उस लड़के को जिसने उसको बंद किया था उसको गाली बकते हुए वो अपने प्रयास को बंद कर देता है और वहाँ डूब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दूसरे डब्बे में जो सुखी राम था वो उसको पता था कि मैं पानी में भी कुछ देर रह सकता हूँ और वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बचाते हुए तैरने का प्रयास करता रहता है और वो लगातार इस चेष्टा में रहता है कि मुझे अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है और जब दिन बेहतर होंगे, जब मेरे लिए अवसर आएगा तब मैं बच सकूंगा, और वो हमेशा अच्छी आकांक्षा को लेकर के वो बेहतर दिन की चेष्टा लेकर के वो अपने प्रयासों को धीरे धीरे बनाए रखता है। और जब दूध वाले ने दोनों डब्बों को खोला तो एक डब्बे में से तो कूद करके मेढक बाहर निकला और दूसरे डब्बे से जब उसने दूध गिराया तो वो मरा हुआ मेढक निकला। यानी दोनों मेढक को साथ डाले गए डब्बे में, लेकिन एक मेढक जो है वो दुखी राम था वो मर गया और दूसरा जो सुखी राम था वो जी गया। तो अब आप बताइए कि जब पॉजिटिव आइडिया किसी के दिमाग में आया तो वह अपने लाइफ को सेव कर पाया और जब निगेटिव आइडिया किसी के दिमाग में आया तो वो वहां अपनी लाइफ गवा बैठा। तो आज कोरोना के संकट के काल में आपके लिए या किसी लीडर के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स का रखना कितना जरूरी है। तो मैं आपको यही एक लेसन दूंगा कि आपको अपने जीवन में हमेशा सुखी राम बन के रहना है, आपको दुखी राम नहीं बनना है ना।